नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं द वन स्किल अप यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो नए बजाज कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि बजाज कार्ड को बनवाने के लिए उनको कितने रुपए देने पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास बजाज कार्ड तो है और उनको उस बजाज कार्ड के माध्यम से कुछ प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीदने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पर खरीदते हैं तो हमको कितने हिडन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। आज की ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजाज कार्ड के कुछ जो कॉमन चार्जेस होते हैं उनके बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वैसे तो बजाज कार्ड के कई सारे चार्जेस होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बजाज कार्ड के बेसिक 7 चार्जेस के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप भविष्य में होने वाले अपने फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। सो इसमें सबसे पहला चार्ज आता है, जब भी कभी आप बजाज कार्ड के लिए न्यूली अप्लाई करते हैं तो आपको 530 रुपये प्लस टैक्स देना पड़ता है, जिसको कि बजाज कार्ड की एक्टिवेशन फीस के तौर पर लिया जाता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है मैंडेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मैंडेट रजिस्ट्रेशन वह होता है कि जब भी कभी आप अपने बजाज कार्ड के लिए नए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको अपने उस बजाज कार्ड से एक अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, जिससे कि जब भी कभी आप अपने बजाज कार्ड से किसी प्रोडक्ट को ईएमआई के थ्रू खरीदते हैं तो उसकी जो ईएमआई है आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाए, उसी को मैंडेट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसके लिए आपको 118 रुपये प्लस टैक्स देने पड़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कार्ड एनुअल चार्जेस। कार्ड एनुअल चार्जेस आपको जब देने पड़ते हैं, जब भी कभी आप न्यू बजाज कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आपके बजाज कार्ड पर पिछले एक साल से कोई लोन एक्टिव नहीं होता है, तो आपको ऐसे में आने वाले साल में फिर से आपको 170 रुपये के लिए एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं। चौथे नंबर पर आता है कन्वीनियंस फीस चार्जेस। कन्वीनियंस फीस चार्जेस आपको जब देने होते हैं, मान के चलिए कि जब भी कभी आप बजाज कार्ड से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई के थ्रू परचेज करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है उसको छोटी छोटी ईएमआई में जो ब्रेक किया जाता है उसके लिए कन्वीनियंस चार्जेस लिए जाते हैं, तो उसी के लिए आपको कन्वीनियंस चार्ज के रूप में तकरीबन 170 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स देने पड़ते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है प्रोसेसिंग फीस चार्जेस। प्रोसेसिंग फीस चार्जेस वो होता है जब भी कभी आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पर परचेज करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस 0 से लेकर 1078 रुपये तक होती है। यह इस चीज़ पर निर्भर करती है कि जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है और साथ ही साथ जिस डीलर से उस प्रोडक्ट को खरीदा गया है उस डीलर की टर्म्स क्या क्या हैं। छठवें नंबर पर आता है मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस। मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस जब लगते हैं, मान के चलिए कि आपके बजाज कार्ड के थ्रू एक मैंडेट रिक्वेस्ट आपके बैंक अकाउंट को भेजी गई है और आपके बैंक ने उस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया है, तो ऐसे में जब आपके बैंक ने उस रिक्वेस्ट को कैंसिल किया है उसके 30 दिन के अंदर आपको फिर से अपने एक मैंडेट रजिस्ट्रेशन को करना होता है। यदि आप उन 30 दिन के अंदर अपने मैंडेट को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको मैंडेट रिजेक्शन चार्जेस देखने को मिलते हैं, जो कि 450 रुपये प्लस टैक्स होता है, जो कि काफ़ी हाई है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि है ईएमआई और चेक बाउंस चार्जेस। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब भी कभी आपकी ईएमआई की जो ड्यू डेट होती है उस ड्यू डेट को बजाज कार्ड की तरफ से एक रिक्वेस्ट आपके बैंक को भेजी जाती है, जिसके थ्रू आपकी जो ईएमआई वो ऑटो डेबिट होती है। यदि ऐसे में आपके बैंक अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं होता है तो उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद आपके ऊपर एक ईएमआई बाउंस चार्जेस लगते हैं। ईएमआई बाउंस चार्जेस 450 रुपये प्लस टैक्स होते हैं और इसी के साथ बैंक की तरफ से भी आपको पेनल्टी लगती है, जो कि लगभग 554 रुपये की होती है। तो जो लास्ट हमारा चार्ज रहता है वो काफ़ी हैवी होता है और जो हमें काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस भी कराता है। तो ऐसे में आपको इन 7 ही चार्जेस के बारे में ध्यान रखना है जब भी कभी आप बजाज कार्ड को यूज़ करते हैं या उसके थ्रू किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पर परचेज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।